हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का गंभीर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग हाउ टू ड्रॉ अ पोर्ट्रेट यूजिंग पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक के सेकंड एपिसोड में हैं और यहां पे हम लोग इनका पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे थे। तो फर्स्ट एपिसोड हमने कर लिया था, आज हम सेकेंड एपिसोड में हैं और यहाँ हम बात करेंगे हेयर ड्रॉइंग की और ईयर ड्रॉइंग की और फिनिशिंग ऑफ द पोर्ट्रेट की। तो दीज आर द थ्री पॉइंट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर। और जो अभी दो पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि देखिए, आईज के सेंटर से जो सेंटर लाइन है, बिल्कुल सेंटर लाइन है, उन सेंटर लाइन से लेफ्ट और राइट का मैंने ऑफसेट लिया कि कितना ईयर तक का पोर्शन कितनी लेंथ जाएगा। तो हमें वहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड के दोनों साइड की विड्थ मिल गई। सेकेंडली, मैं नोज की जो लाइन है, बॉटम लाइन, उसको मैंने हॉरिजॉन्टली आगे की ओर बढ़ाया तो वहाँ मुझे ईयर का हाइट मिल गया, कितना ईयर है, कितना डेप्थ है ईयर का या हाइट है। तो ये दो पॉइंट जो है बहुत ही की फैक्टर पॉइंट है। उसके अंदर अंदर ही, मतलब उसके ऊपर ही ईयर रहेगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। नोज लाइन जो है बॉटम लाइन, उसके ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से रखना है। आई एम यूजिंग 2B पेंसिल एंड 4B पेंसिल फॉर दिस। और हेयर में मैं आगे भी फर्दर फिर उसको फिनिश करूंगा। रिकन्फर्म करना बहुत जरूरी है। नाउ आई एम रिकन्फर्मिंग द वैल्यू। जैसे मैंने नोज के सेंटर से फिर देखा कि जो वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप मेजर कैसे कर रहे हैं। मैंने लैपटॉप पे इमेज खोली हुई है और उस लैपटॉप के थ्रू ही मैं मेजर कर रहा हूँ। एंड देन आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑन द पेपर। तो अब मैं हेयर पे आ रहा हूँ और फर्स्ट लेयर को मैंने आउट किया राइट साइड में। अगर आप ये ट्यूटोरियल पूरा देखेंगे तो यू विल गेट कम टू नो कि हमें कैसे फिनिश करना है, हेयर को कैसे फिनिश करना है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए, उसी पॉइंट को, हेयर के टॉप को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ बिल्कुल सेम टेक्निक यूज करके। और सिमिलरली लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड्स पे मैं ये काम कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने इसी तरह से यहाँ पे मेजरमेंट किया, एरो के थ्रू मैं आपको शो कर रहा हूँ। और उसके बाद अब यहाँ पे आईज के, आईब्रो के सेंटर पे रख के वहाँ फोरहेड का जो टॉप है वो मिल गया, जहाँ से हेयर शुरू होंगे ग्रो होना। सो दिस इज हाउ वी शुड डू द पोर्ट्रेट्स। वी शुड अंडरस्टैंड पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक्स। दिस इज द फुल्ली ऑब्जर्वेशनल मैथड, जिसको हम कंप्लीट तरीके से ऑब्जर्वेशन टेक्निक बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी पेंसिल को एज अ टूल के तौर पर यूज करके। आपने कोई मेजरिंग स्किल नहीं लिया हुआ, यू आर जस्ट यूजिंग योर पेंसिल टू गेटिंग सम आइडिया। और अब मैं हेयर पे आ रहा हूँ। यहाँ पे अभी मैं 4B पेंसिल को यूज कर रहा हूँ, जस्ट ट्राइंग टू गेट द टेक्सचर ऑफ द हेयर की डायरेक्शन क्या है, हेयर का फ्लो का। और उसी डायरेक्शन में मैं फर्स्ट लेयर पॉट कर रहा हूँ। पेंसिल को देखिए, मैं टिप से यूज नहीं कर रहा हूँ, साइड से यूज कर रहा हूँ। पेंसिल की साइड्स को यूज कीजिए, टिप को मत यूज कीजिए कभी भी। और उन जगहों पे जहाँ पे आपको स्केच करना है, स्केची कुछ बनाना है, तो वहाँ पे साइड्स को यूज करना ज़्यादा प्रेफरेबल है। अगर आपको कोई लाइन्स को क्रिएट करना है या कोई शेप क्रिएट करना है, तो वहाँ पे आप टिप को यूज कर सकते हैं जहाँ पे आप फॉर्म है। बट यहाँ पे आप यू हैव टू गेट द आइडियाज। और इस तरह से देखिए, मैंने पूरा का पूरा फिल किया। सिमिलरली मैं इसी तरीके से दूसरे साइड पे भी करूंगा। मैंने थोड़ा सा स्पीड अप किया है इसको, क्योंकि ये इसमें केवल आपको वैल्यूज को फिल अप करना है और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि बताने लायक हो। जस्ट ट्राई टू कैप्चर द टेक्सचर ऑफ द हेयर, हेयर के टेक्सचर और हेयर के फ्लो को आपको पकड़ना है। और आप यहाँ 6B यूज कर रहा हूँ मैं डार्क पेंसिल को। मैं फिर से देखिए रिकन्फर्म कर रहा हूँ। रिकन्फर्मेशन इज द की टू ड्रॉ एनी पोर्ट्रेट।
यू हैव टू रिकन्फर्म द वैल्यू। तो मैं केवल वैल्यूज को बढ़ा रहा हूँ, एड ऑन कर रहा हूँ, और अब जो ईयर है उसको भी इस तरफ के लेफ्ट साइड के ईयर को भी मैं फिनिश कर रहा हूँ उसी तरीके से। जब फ्रंट साइड से आप फेस को देखते हैं तो हमेशा ईयर जो होता है वो उतना रिवील नहीं होता है, कुछ पोर्शन ही नज़र आ रहे होते हैं ईयर के। बट यही अगर हम साइड व्यू से देख रहे होते पोर्ट्रेट को तो वहाँ पे पूरा का पूरा आपको ईयर नज़र आता, कान नज़र आता। अब यहाँ पे अभी तक देखिए, अभी तक भी मैंने कोई ऐसा टूल नहीं यूज़ किया है, शेडिंग टूल वगैरह। लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि हम टूल के बिना कैसे शेड कर सकते हैं, तो देखिए अभी तक कोई टूल नहीं यूज़ हुआ और शेड्स आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से हमने पेंसिल को यूज़ करके ही ड्रॉ किए हैं शेड्स। आगे चल के हम इस पर कुछ शेडिंग टूल को यूज़ करने वाले हैं सो दैट वी कैन मिनिमाइज द प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस फिर लंबा हो जाएगा। अगर हम केवल पेंसिल से ही चलेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और जो टूल है उसका काम यही है कि आपके टाइम को थोड़ा सा बचाया जा सके, आपकी स्मजिंग आप बढ़ा सकें तो ग्रे वैल्यूज आपको जल्दी से जल्दी ऑप्ट होए। बट डू नॉट ट्राई टू कम्प्लीटली ब्लेंड द पेंसिल्स। जब भी आप कुछ स्केच क्रिएट करते हैं, ड्राइंग पोर्ट्रेट को क्रिएट करते हैं, रियलिस्टिक और हाइपर रियलिस्टिक की बात नहीं कर रहा मैं, वहाँ पे तो आपको यू हैव टू मेक इट एज स्मूद एज पॉसिबल, बट यहाँ पे यू हैव टू मेक इट एज रफ एज टेक्सचर्ड, और व्हाट शुड आई से, टीथ से नज़र आने चाहिए ग्रेफाइट के जो आपने ड्रॉ किए। टीथ पूरे के पूरे पेपर के ऊपर एक एक टूथ आपका नज़र आना चाहिए, जो ड्रॉइंग के होते हैं पेपर के ग्रेन्स होते हैं वो ग्रेन्स आपके नज़र आने चाहिए, तो और भी ज़्यादा उसको वैल्यू मिलता है। ऑल्सो यूज़ हैचिंग्स, हैचिंग्स को भी साथ के साथ यूज़ कीजिए। मैं भी यहाँ पे वही कर रहा हूँ, आप अगर क्लोजअप करके देखेंगे इस इमेज को जब मैं लास्ट में दिखाऊंगा तो आप देख पाएंगे कि बहुत सारी जगहों पर हैचिंग्स भी यूज है, एंड मिक्सिंग इट विद द सर्कुलिज्म, सर्कुलिज्म को यूज करके देन आई मिक्स्ड इट अप। अच्छा, व्हेन यू आर यूजिंग 6B पेंसिल यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कीजिए कि प्रेशर को कम अप्लाई करके और वैल्यूज़ को ज़्यादा लेके आइए, टोनल वैल्यूज़ को बढ़ाइए, कि मतलब कॉन्टीन्यूसली 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर चढ़ाइए। लेकिन ये मत सोचिए कि एक ही लेयर पे सारा कुछ प्रेशर दे करके वैल्यूज़ को निकाल लूँ, कि ब्लैक ही तो करना है, पूरा ब्लैक कर दो। इफ़ यू आर गोइंग इन सच वे तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो फिर यू विल, अगर मान लीजिए कहीं ज़रा सा भी एरर रह गया तो फिर वो इरेज नहीं होता, फिर वो एक बहुत ही चाइल्डिश पोर्ट्रेट नज़र आता है, किसी बच्चे का किया हुआ काम नज़र आता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा पेंसिल पे प्रेशर कम डालिए ताकि आप उसको इरेज कर सकें इजीली, अगर कुछ रिकन्फर्म करना हो या फिर कुछ वैल्यूज़ को आपको चेंजेस करना हो, रेक्टिफाई करना हो, तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन रह जाए। तो देखिए मैंने अब पूरे के पूरे प्रेशर दे करके पेंसिल के ये एक सर्टेन लेवल तक मैं लेके आया हूँ। अब मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ ये ब्रश, और इस ब्रश को यूज़ करके मैं क्या कर रहा हूँ आप देख पा रहे होंगे, हेयर की वैल्यूज़ को स्मज करके एक यूनिफाइड पोर्ट्रेट क्रिएट कर रहा हूँ, एक यूनिफाइड एरिया क्रिएट कर रहा हूँ। उस पर फिर मैं चेंजेस करूँगा सर्टेन एक्सटेंट तक इरेजर को यूज़ करके और बाकी टूल्स को यूज़ करके। तो अभी मैं केवल और केवल जो हमने फ्लो ऑप्ट किया था पेंसिल के थ्रू उसको मैं कम्प्लीटली स्मज कर रहा हूँ ब्रश को यूज़ करके। ये मेकअप ब्रश है, आप वाटर कलर ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं या अगर कोई और टाइप का ब्रश हो आपके पास, बट ब्रसल्स जो होने चाहिए ब्रश के वो स्मूथ होने चाहिए, बहुत हार्श नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर पेपर डैमेज होने की बात होती है। और अगर ये नहीं है तो यू कैन यूज़ टिश्यू पेपर ऑल्सो, तो उससे भी आप कर सकते हैं, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बहुत सारे लोग ईयरबड को भी यूज़ करते हैं बट वो मुझे इतना कन्वीनियंट लगा नहीं, क्योंकि वो बहुत हार्श होता है, या बहुत अगर स्मूथ सा आप खुद से बनाएं बट कॉटन यूज़ करके तो आप कर सकते हैं, बट अदरवाइज मुझे उतना ज़्यादा
इफेक्टिव लगा नहीं वो। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 9B पेंसिल, यू कैन डायरेक्टली यूज़ अ 9B पेंसिल, 10B पेंसिल या जो भी आपके पास हायर ग्रेड की पेंसिल हो, 8B हो, उसको आप अब यूज़ कीजिए। तो फर्स्ट लेयर जो सेकंड लेयर है वो 4B 6B से कीजिए। देन जो बोलते हैं ना कि अलग अलग ग्रेड्स की पेंसिल्स क्यों हैं, वो यही रीज़न है उसके पीछे। कि आप चाहें तो वैसे डायरेक्ट तो 8B और 9B से भी कर सकते हैं, बट वो स्मूथनेस, वो इफेक्ट लाने के लिए आपको अलग अलग ग्रेड की पेंसिल को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से वो इफेक्ट ला पाएंगे। आप ये बात अलग है कि अगर आप स्टम्प वगैरह यूज़ कर रहे हैं, पेपर स्टम्प यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप एक ही लेयर पर चढ़ा के कुछ भी कर सकते हैं, बट वो रिवील होने लगता है फ्रेंड ड्राइंग में। अच्छे आर्टिस्ट को अगर आप दिखाएंगे ना, तो वो पता चल जाता है कि आपने क्या प्रोसेस किया है यूज़। तो आपको प्रोसेस ज़्यादा ओरिएंटेड होना है रादर देन की रिजल्ट ओरिएंटेड, जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूँ। तो देखिए, मैं फाइन ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ और जो कुछ जगहों पे वैल्यूज़ को और चेंजेस कर रहा हूँ, उनमें कुछ और ज़्यादा और मॉडिफिकेशन ला रहा हूँ। अब मैं फोरहेड पे और ग्रेड्स को ला रहा हूँ, जैसे कि शेड्स पड़ रही हैं, आप देख रहे होंगे एक साइड से हाईलाइट्स पड़ रही हैं और दूसरे साइड से शेड्स पड़ रही हैं। मैंने एक साइड की लाइट को भी ऑफ कर दिया, क्योंकि वो लाइट जो है, वो आपने देखा होगा अभी, वो जो लाइट है वो शाइन दे रही है इस ग्रेफाइट के लिए, तो वो और अच्छे से समझ नहीं आ रहा कि कहाँ कितनी वैल्यू चढ़ाई है। इवन 9B चढ़ाने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि वैल्यू नहीं चढ़ाई है, तो इसलिए मैंने एक साइड की लाइट को ऑफ किया है। अब एक ही डायरेक्शन से लाइट पड़ रही है तो आप ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। यहाँ पे मैं अब यूज़ कर रहा हूँ नीडेड इरेजर पेंसिल्स, पेंसिल और नीडेड इरेजर दोनों को यूज़ कर रहा हूँ। ये इरेजर पेंसिल है और इसके थ्रू मैं हेयर को ड्रॉ कर रहा हूँ। हेयर की जो वाइट हाइलाइट्स नज़र आ रही हैं, जो लाइट्स पड़ रही हैं हेयर पे, उनको मैं आउट कर रहा हूँ। तो अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है चीज़ें, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा स्पीड अप कर दिया है इसको, ताकि जो मेन जो जिस था जिस तरह से हम आउटलाइन ड्रॉ की, जिस तरह से हमने शेड्स को ग्रेड किया, उसके बाद तो सब कुछ फिनिशिंग का पार्ट रह जाता है, जो कि मुझे लगता है कि ज़्यादातर जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं फिनिशिंग के मामले में सबके सब एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे से फिनिश करते हैं पोर्ट्रेट को। मैंने देखा था आर्ट कॉम्पिटिशन के टाइम पर भी और वेबिनार के टाइम पर भी मैं देखता रहता हूँ। तो फिनिशिंग मुझे लगता है सभी को आती है, बट पॉइंट ये है कि उनको उनसे आउटलाइन ड्रॉ होना थोड़ा मुश्किल होता है, या कि हम कैसे शेप को पहचाने, रिसेम्बलेंस कैसे लाएं और फेस के एनाटॉमी को कैसे करेक्टिफाई करें। तो इसीलिए मेरा फोकस भी यही रहता है कि मैं आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझाऊं रादर देन कि ये वाली पोर्शन को। और जैसा कि आप लोगों ने सजेस्ट किया था कि दो पार्ट में वीडियो को ख़त्म करें, तो मैंने दो पार्ट में ही इस बार किया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आईज, नोज एंड लिप्स को किया, एंड देन सेकेंड पार्ट में मैं बाकी जो फीचर्स जो रह गए थे उनको मैं यहाँ फिनिश कर रहा हूँ और पोर्ट्रेट को इस तरह से एंड रिजल्ट तक लेके आ रहा हूँ। अब यहाँ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जैसे हम मैं साइड में इमेज लगाता हूँ, तो कुछ लोग काइंड ऑफ ऐसे सोचने लगते हैं कि अब अंतर ढूंढना है हमें इसमें और इसमें। वो मत कीजिए फ्रेंड्स, आपके लिए पोर्ट्रेट बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको बस उस बंदे को उतार के इस पेपर पे धर देना है। ये कोई आपकी ये कोई क्रिएटिविटी नहीं हुई आपकी। आप अपने क्रिएशन को यूज़ कीजिए, आप अपने स्टाइल को ऑप्ट करने की कोशिश कीजिए, रादर देन कि आप बस ये सोचिए कि इसका रिजल्ट यहाँ पे इतना आ जाए। हम सोचते हैं ऐसा है कि ये बड़ा महान काम है, बट उसमें ऐसे कोई बहुत महानता वाली बात नहीं है। महानता वाली बात तो ये है कि जब आप अपने पोर्ट्रेट में अपने एक्सप्रेशन लेके आएंगे, उस दिन आप कहेंगे कि हाँ मैंने बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बनाया। तो ये छोटा सा मैसेज था सभी के लिए। तो अभी मुझे लगता है कि आपको ये पोर्ट्रेट अच्छा लगा होगा। अगर इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग कोई और क्वेरी हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी आप सभी को पता है, और कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा कैसा लगा आपको ये पोर्ट्रेट और कैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, कैसे रिजल्ट्स आए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन, हैप्पी ड्राइंग।